हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट मीनू चौरसिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट टू प्रीवियस वीडियोस में ये मैंगलोर का एक जो म्यूज़ियम है, अलोसियस म्यूज़ियम, इसके बारे में अपलोड किया था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लें, क्योंकि आपको पहले के वीडियो देखेंगे तभी ये लास्ट का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। काफ़ी सारा ये मैंने पूरा वीडियो यहाँ का डाला हुआ है उसमें, वीडियो में, तो आप लोग जाकर देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। और ये है थर्ड पार्ट वीडियो का, तो आप लोग देखिएगा कितना, मतलब ये म्यूज़ियम का कितना अच्छा है। यहाँ पर ये सारा म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें पुरानी थी उनके, ओल्ड एशियन टाइम की या फिर प्रीवियस प्री हिस्टोरिक टाइम की, वो सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आप लोग एक एक करके देखते जाइएगा यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर फादर क्लॉक है, ये कितना बड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्लॉक है। ये इतना तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि आज के टाइम पे तो वॉल क्लॉक चल गए हैं, तो इतना तो रखते ही नहीं है कोई घर में। और यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ की मैंगलोर की फर्स्ट गाड़ी है और यहाँ पे ये अस्तबल भी बनाया गया है, ये यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है इसका, मैंगलोर की ये फर्स्ट है। सारी चीज़ें यहाँ पर, जो भी यहाँ पे पहले फर्स्ट थी, यहाँ पे जो भी वहाँ पे ओल्ड टाइम की ओल्ड वॉच है, ये देखिए दोनों साइड यहाँ पर वॉच दिखाई गई हैं। इतनी बड़ी बड़ी ऐसे फ्रेम्ड की हुई वॉच यहाँ पर देखने को मिली हमें। ये इस तरह के आप ये देखिए गुमोट मिले हैं यहाँ पर, ये ड्रम्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये आर्टवर्क है, इसमें 125 फीट का ये आर्टवर्क है, इसके अंदर ये पैक्ड रखा हुआ है। तो और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, अभी तो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखते जाइएगा। अब सबसे ज़्यादा तो ये एनिमल वाला आपको देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखिए सबसे बड़ा स्केलेटन, यहाँ पर व्हेल जो फिश होती है ना, व्हेल मछली का ये सबसे बड़ा स्केलेटन है। ये कहीं फॉरेन कंट्री से ये लाया गया है और यहाँ पर ये रखा हुआ है। आप देख सकते हैं उसको कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे ऊपर हैंग किया गया है। और ये सारे आप देखेंगे कोबरा या फिर जो भी टाइगर, सब सभी के, मतलब यहाँ पे क्रोकोडाइल, सभी के यहाँ पर जो ऊपर की जो छाल रहती है, स्किन होती है, सारी यहाँ पर रखी हुई है। आप देखिए इंडियन कोबरा है, ये क्रोकोडाइल का है, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को रियल रखा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल वाला कोई काम नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर रियल देखने को मिलेगा। और जो व्हेल मछली का जो भी स्केलेटन यहाँ पर लगा हुआ है, पूरे डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि कहाँ से लाया गया था, कब लाया गया था, कब यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, सारा यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सार्क के, और यहाँ पर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सेल्स, ये सारे यहाँ पर ये रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बोन्स रखी हुई हैं, फिश के जो दांत होते हैं ना छोटे छोटे बारीक, वो भी यहाँ पर रखे हुए मिलेंगे। ये देखिए ये एक प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विल करके, एक जो भी जानवर होता है ना एनिमल, उसके भी छोटे छोटे जो हेयर्स रहते हैं वो भी यहाँ पर कलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये सेल्स रखे हुए हैं, जो टॉर्टोइज होता है उसके सारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं। और सारे यहाँ पर जितने भी ये स्केलेटन देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, सभी के गोट हुआ, हॉर्स हुआ, सभी के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इतने बड़े बड़े। और ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बॉल्स पे लगे हुए हैं डियर्स के, कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। मुझे तो देख के ही इतना, आप वीडियो में देख रहे हैं, रियल में तो और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और इतना बड़ा लग रहा था। आई वॉज शॉक्ड, देख के मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा था। ये सारे आप देखिए पूरा का पूरा स्केलेटन रखा हुआ है, आधा अधूरा कुछ भी नहीं।
यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब हाथी तक का स्केलेटन रखा हुआ है। ये अलग अलग देख सकते हैं आप सारे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी चीज़ें, यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है उनका 19 के टाइम का। और ये आप देख सकते हैं व्हेल मछली का ये सिर है, हेड यहाँ पर रखा हुआ है अलग से। और इसके बाद ये जो सॉल्यूशंस में रखे हुए हैं, ये अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉर्टोइज हुआ या कुछ भी, ये अलग अलग यहाँ पर ये मेडक के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजातियाँ होती हैं सबके यहाँ पर सॉल्यूशन में ये रखे हुए हैं। आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स के रखे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सॉल्यूशन में रखा है ताकि ये सालों साल ये ख़राब ना हो, स्मेल ना आए इनके, तो इस तरीके से उनको संजो कर रखा हुआ है वहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम की एक ख़ास बात यही लगा मुझे कि सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सारी चीज़ें एक ही म्यूज़ियम के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, आर्ट वर्क से लेके, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी थी, हिस्टोरिकल हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्ट वर्क भी रखे हुए हैं यहाँ पर, जो ओल्ड टाइम के थे ना, जो आर्टिस्ट थे उनकी यहाँ पर डिस्प्ले भी है, और सभी के यहाँ पर आर्ट वर्क भी लगे हुए हैं कि मतलब उस टाइम पे भी कितना बास्ट हो गया था और कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ आर्ट वर्क बनाए जाते थे पहले। ये स्टोरेज देखिए, स्टोरेज बॉक्स से यहाँ पे ये वास के हैं यहाँ पे देखने को मिले अलग अलग। अब जहाँ से एंट्री की थी उसका एक और पार्ट दिखाना था, तो ये लास्ट पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने पुराने पुराने हर एक यूरोपियन कंट्री के बारे में आप देख सकते हैं, सारे कॉइन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूरोप के, फ्रांस के, हर जगह के यहाँ पे अलग अलग जो भी कॉइन्स चलते थे स्टार्टिंग से लेके अभी तक के, तो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। और सारा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, एक एक कॉइन का यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब भी किया हुआ है। आगे आप देखते जाएंगे सारी करेंसी यहाँ पर दिखाई गई है, आप लोग पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 ये BC के यहाँ पर रोम के ये रखे हुए हैं, कितने पुराने चलते थे। मैंने तो देखा है, अपनी ग्रैंड मदर के पास थे, उनके होल होते थे पहले के, जो कॉइन्स होते थे बीच में होल हुआ करते थे, जैसे इसमें भी दिखाए गए हैं उसी टाइप से मैंने देखे हुए हैं पहले के कॉइन्स। यहाँ पे देखेंगे एंटिक फर्नीचर रखा हुआ है, कॉलेज का है ये, यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले करके रखा हुआ है कि जो पहले के टाइम पे स्कूल में या कॉलेज में डेस्क, चेयर, टेबल जो भी यूज़ हुआ करती थी सबसे पहले की, वो यहाँ पर दिखाई गई है। कितना प्यारा फर्नीचर बनता था पहले भी, देखिए। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ये जितने भी आप जो समुद्र में या फिर जो भी स्टोन्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के, यहाँ पर स्टोन्स भी देखने को मिले हैं और सारे उनके नाम भी दिए गए हैं, एक एक उनने नाम भी डिस्प्ले करके रखा है, कितने अच्छे से उन्होंने डिस्प्ले किया है, कांच के वाउल्स में रखे हुए हैं।
ये देखिए इतने, ये छोटे से लेके बड़ा हर प्रकार का यहाँ पर स्टोन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको और किस तरीके की वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं मेरे चैनल पर। तो मैं, आप लोग सजेस्ट भी कीजिए मुझे, तो मैं आगे जाके अपने चैनल पर वो उस तरीके के वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कॉइन्स के साथ यहाँ पर करेंसी, जो जो ये मेडल्स हैं यहाँ पे कॉलेज के प्रीसियस टाइम के हुआ करते होंगे, और उसके अलावा भी की चैन भी हैं, हर प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आगे करेंसी में देखेंगे नोट भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े नोट भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, इतने मतलब A4 साइज़ तक जो अपना होता है ना इम्पीरियल साइज़, वो तक देखने को यहाँ पर मिले। इतने बड़े बड़े पहले नोट चलते थे। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा मैंगलोर का जो म्यूज़ियम था, उसका मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड करके आप लोगों को दिखाया है। पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बने रहिए मेरे चैनल पर और बताइएगा आप लोग कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।